वसीपुर राजीवली वो बोईदापाड़ा में वर्षों पूर्व विकास ग्रुप के मालिकों को ख्यात भू माफिया पवन सिंह द्वारा हजारों अवैध रूम वो गाले बनाकर गरीब वो जरूरतमंद लोगों को सस्ते वो सुविधा युक्त घर देने के नाम पर गुमराह कर हजारों लोगों को वहां बसाया गया था। बावजूद उसके अभी भी बड़ी तादाद में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें न घर मिला और न पैसे। हालांकि अपने पैसों की वापसी के लिए ये गरीब वो मजबूर लोग पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने को मजबूर हैं, किंतु पवन सिंह का प्रभाव कुछ ऐसा है कि उसका नाम सुनते ही कर्तव्यनिष्ठ पुलिस को भी पसीने आ जाते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया जहां एक गरीब परिवार न्याय की गुहार लगाता हुआ वालियो पुलिस स्टेशन पहुंचा और वर्षों पूर्व पवन सिंह द्वारा की गई धोखाधड़ी की जानकारी दी और पुलिस द्वारा इस गरीब परिवार को पवन सिंह के खिलाफ एक अर्जी देने को कहा गया। बावजूद काफी समय बीत जाने के बाद भी वालियो पुलिस की ओर से पवन सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते देखिए किस तरह ये गरीब परिवार अपनी बेबसी की दास्ता सुना रहा है। क्या नाम है आपका? आशा योरा सिंह है। आशा जी, आप विकास ग्रुप के मालिक पवन अभिमन्यु सिंह को कब से जानते हो? मैं 7 साल से जानती हूँ। कैसे जानते हो आप उनको? ते आम्हाला सांगितलेले असं हेजर ग्रुप वर आलेले म्हणले रूम घ्यायची होती तर आमचे ते भाई होते भाऊजी होते त्यांनी आम्हाला सांगितले, त्यांच्या हेजेवर आम्ही गेले तिथं बघायला। तर आम्हाला असं बघायला पहिली जागा दाखवली, बघायला तर आम्ही बघितली ती जागा। क्या बोला आपको? कुछ बोला जगह दिखाते हुए? हाँ, तेव्हा बोलले ते आम्हाला तुम्हाला असं रूम देऊ आम्ही तशी रूम देऊ, शाळेची सुविधा, हां शाळेची सुविधा करू, गार्डन वुडन बनव आम्ही ते असं सांगत होते ते आम्हाला। तर आम्ही म्हणलो ठीक आहे, आम्हाला किती पर्यंत पडणार? तर एक रूम एक किचन असं आम्हाला त्यांनी बोललेले। तर त्यांनी सांगितलं तुम्ही असं पैसे हप्ते हप्त्याने एकदा 50,000 भरा, नंतर मग तुम्ही हप्ते हप्त्याने असं देत जा तुम्ही, असे आम्हाला ते बोलले। तर असे करके कितने पैसे आपने जमा किए? तर 1,40,000 आमचे झाले। फिर आपको आपका रूम मिला क्या? नहीं मिला। क्यों? नहीं, वो लोग बोल रहे थे फोन ही नहीं उठा रहा हम लोग का, बोलता है आज उठाता है देता है देता है, ऐसा करके करके 7 साल हो गया अभी। फिर हम लोग को फोन ही नहीं उठा रहे, फोन ही बंद करके रखा उसने, फोन ही बोलता है उठाता नहीं। मैं फोन किया तो बोलता है हम लोग गाँव में है इधर है ऐसा विका ये बोलता था वो सर। फिर क्या हुआ? आपकी खबर देखी पूरा? कहाँ पे? कहाँ पे खबर देखी हमारी? टीवी में। अच्छा, तब उन्होंने ना उसको मालूम पड़ेगा हम लोग को थोड़ा मददगार थोड़ी मिल जाएगा तो इसलिए आपके पास आया। हाँ, इसलिए हम लोग को तुम्हारा पास आया। तभी हम लोग पुलिस चौकी में गया, ये उन्होंने करने के बाद पुलिस चौकी में गया। फिर वहाँ पे आपने पत्र भी दिया पुलिस को? हाँ, पत्र भी दिया पूरा उन्होंने बताया तो बोला उन्होंने ठीक है कार्रवाई करता हूँ, और 1 महीना होने के लिए आया। हम लोग को उधर सर आया था वो बोला उसने 1,00,000 हम लोग पैसा दे। फिर क्या हुआ? हम लोग पुलिस स्टेशन गया, बाद में उधर आया था वो सर, उसने बोला इधर ऑफिस में आ जाओ। किसने बोला? सर नहीं, वो पवन सिंह ने। हाँ, पवन सिंह ने पुलिस के सामने बोला कि आप ऑफिस में आ जाओ। सामने बोला कि आप मेरा ऑफिस में जाओ, ऑफिस में आ जाओ, वहाँ पैसा मिलेगा। उधर हम तो ना मैं बात करता हूँ ना, उधर एक मैडम है उधर उससे बात। हम लोग गए ऑफिस में। कहाँ पे गए, किधर था वो ऑफिस? वसई में। तो उधर गए तो हम लोग बातचीत किया तो बोला ठीक है मैं तुम लोग को देखता हूँ, कल उन्होंने पेपर लेके आओ मैं तुम्हारा उन्होंने पेमेंट कर देता हूँ पूरा पैसे का। अच्छा, तो बाद में उन्होंने पवन सिंह अंदर ऑफिस में दूसरा कैबिन में था वो बाहर आया, बाद में बोला नहीं मैं उनको हफ्ते हफ्ते में पैसा दूंगा। अच्छा, तो बोला इतना साल हम लोग को लगा था हफ्ते हफ्ते में कैसा उन्होंने मैं तुमको 20,000 10,000 ऐसा दे के तुमको खत्म कर दूंगा पैसा, मतलब हमको वैसा नहीं मांगते है। 7 साल से हम लोग उन्होंने रखड़ा दिया तो हमको क्या भरोसा है तुम्हारे ऊपर? तो बोला जाओ तुम लोग को जो करना है करो तुम लोग। फिर क्या हुआ, क्या आप इसके बाद पुलिस स्टेशन गए थे? गए थे पुलिस चौकी में, उधर मैडम आए थे पुलिस स्टेशन में, मैडम आई थी वही पवन अभिमन्यु सिंह के ऑफिस में जो काम करती है, काम करती है वो उन्होंने आई थी उधर। अरे हम लोग को चेक देने, मुझे चेक दे रहा था वो, मगर वो टप्पे टप्पे वाला चेक था। अच्छा, हर महीने में हम लोग 30,000 20,000 ऐसा कुछ टप्पे टप्पे में था। अच्छा, तो हम लोग बोला एक साथ हमको मांगते हैं। फिर क्या हुआ वो बाद में हमको पुलिस का वो लोग को बातचीत हुआ, बाद में हम लोग को कुछ मालूम नहीं पड़ा।
पुलिस ने आपका स्टेटमेंट लिया था? हाँ, स्टेटमेंट लिया था। तो अभी पुलिस की ओर से कोई फोन वगैरह? जवाब नहीं, कुछ नहीं। कुछ पवन सिंह की ओर से कुछ फोन वगैरह? कुछ नहीं। आगे आप अपना पैसा निकलवाने के लिए आगे क्या करने जा रहे हो? हम लोग अधिकार से जाएंगे, मगर हम लोग गरीब आदमी, हम लोग हाथ जोड़ेंगे, हम लोग को मतलब मदद करो, हम लोग को मदद करने का। कई इतना 7 साल हो गए, मगर हम लोग को कुछ नहीं दिया, नहीं कुछ नहीं, पूरा पैसा खा के हम लोग को फंसाया उसने। वैसे क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।